हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। आज जो है मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश पेडागॉजी की दो क्लास आएगी, ये क्लास फिफ्थ है और एक क्लास सिक्स आएगी। क्योंकि आपके पास अब टाइम कम है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रिविज़न कीजिए, है ना, क्योंकि ये रिविज़न का टाइम है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए। अगर किसी लोगों को कोई सी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो इंग्लिश की प्लेलिस्ट बनी हुई है, स्टडी परचम चैनल पर आपको जाना है और उस प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिएगा। आपको सारे कंटेंट मिलेंगे अलॉन्ग विथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। तो आप पूरी प्लेलिस्ट देख जाओ, 2 से 3 दिन में पूरी प्लेलिस्ट आपको देखना है। आपका इंग्लिश का जो प्रॉब्लम है पेडागॉजी से रिलेटेड वो सॉल्व होगा और बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं आपको। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिए ताकि आपका रिविज़न होता रहे, कि आपको समझ में आए कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपको किस तरह से ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में पूरी वीडियो बनी हुई है। इधर रिसेंट के जो भी मैंने आपको इंग्लिश पेडागॉजी की क्लास ली है या प्रीवियस ईयर कराए हैं उसकी सबकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हूँ। तो आप जाइएगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारे वीडियो के आपको लिंक मिलेंगे। आप जाइए उसको क्लिक कीजिए और देखिए, और देख के अपने साथ आप ये रख लो, एक टेस्ट टाइप का आप रख लो कि आप कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो उसमें से। ठीक है, और नेक्स्ट मैं एग्जामिनेशन से एक दिन पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे क्लिक करना है, कौन से पोर्शन को पहले बनाना है, किस तरह से आपको 90 नंबर सेव करना है, है ना, उसके बाद आप कहाँ बढ़ोगे। ठीक है, तो मैं एक बार आपसे सिंपली आपसे एक बार डिस्कशन ज़रूर करूँगी एग्जामिनेशन से पहले। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे। और जिन लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है चैनल को तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स, आपके जानने वाले इस वीडियो को देखें और वो भी सीटेट का एग्ज़ाम अच्छे मार्क्स से पास करें। मैंने टैग वर्ड के वीडियो डाल दिए हैं, आपने नहीं देखा है तो आप जाके देखिए, टैग वर्ड आपको बहुत हेल्प करेंगे सही आंसर तक पहुँचने में। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू दोनों के मिक्स क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ, तो आप देखिएगा। इसके बाद जो एक और आपका आएगा क्लास, वो क्लास होगा CDP के टॉप 50 क्वेश्चन का, है ना। CDP की हम रिवीजन क्लास करेंगे, टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे, पार्ट दो पार्ट में आएगा, 50-50 करके हम 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं CDP के। तो नेक्स्ट जो कल या परसों आएंगे वो आपको रिविजन सेशन ही आएगा CDP का, तो उसको देखना नहीं भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा, इस तरह के क्वेश्चन मैंने रेडी किए हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज के पहले क्वेश्चन को हम देखेंगे इंग्लिश पेडागॉजी से। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू गिवन स्टेटमेंट। यानी गिवन स्टेटमेंट, क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको यहां पे बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। यानी आपको सेंटेंस देखने हैं, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग कौन सा ये चारों स्टेटमेंट में से आपको सही बताना है। पहले सेंटेंस देखिए कि क्या बोल रहा है सेंटेंस। राइम्स, सॉन्ग एंड चैंट आर द वे फॉर द चिल्ड्रेन। राइम्स, सॉन्ग्स और चैंट बच्चों को क्या करते हैं, कि किस तरह के तरीके हैं, है ना, चिल्ड्रेन के लिए। क्या एक्सटेंडेड वोकैबुलरी के लिए है, मेमोराइजिंग वर्ड एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिए है, प्रैक्टिस प्रोनाउंसिएशन के लिए है, या इनहेंस एक्सप्रेशन एंड द रिदम ऑफ द सेंटेंस। तो आपको देख के क्या लगा होगा, आपको लगा होगा ना कि ऑप्शन 4 है। तो एग्जैक्टली यही आंसर है आपका कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर। राइम्स किस लिए पढ़ते हैं, आपका एक्सप्रेशन बेहतर होता है, आप बहुत अच्छे से व्यक्त कर पाते हो। सॉन्ग किस लिए कहते हैं, सॉन्ग में रिदम होता है, उतार चढ़ाव होता है, इंटोनेशन का यूज करते हैं, ना, तो इसलिए हम राइम्स हो गया, सॉन्ग हो गया, चैंट को हम बच्चों के लिए रखते हैं। इन क्या क्या होगा यहाँ पे, इनहेंस एक्सप्रेशन एंड द रिदम ऑफ द सेंटेंस। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट यूजिंग द लाइब्रेरी एट द प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल में लाइब्रेरी यूज करने के लिए कौन सा स्टेटमेंट आपको सही नहीं लग रहा है। द लाइब्रेरी शुड नॉट जस्ट बी सीन एज द स्टोरेज स्पेस फॉर द बुक, रेदर
मतलब मेरे यहाँ पे कहने का मतलब है कि लाइब्रेरी के लिए, लाइब्रेरी को छोटे बच्चे किस तरह यूज करेंगे वो आपको बताना है, और क्या नहीं होना चाहिए यूज करने के लिए, है ना, यानी लाइब्रेरी को यूज करने का पर्पस क्या नहीं होना चाहिए वहाँ, इस स्टेटमेंट में ये बताया है। यहाँ पर एक चीज, एक लाइन दे दिया है कि लाइब्रेरी जो है वो स्टोरेज रूम नहीं है, स्टोरेज स्पेस नहीं है। अब स्टोरेज स्पेस को हम, स्टोरेज रूम रहता है सभी के घरों में, तो वो किस लिए यूज करते हैं, जहाँ पर हम अनवांटेड चीजों को, जिस चीजों का काम नहीं है वो हम कहाँ जाके रख देते हैं, स्टोरेज रूम में रख देते हैं, है ना। तो लाइब्रेरी को आपको स्टोरेज रूम की तरह नहीं देखना है। लाइब्रेरी क्या है, वहां पे आपके पास ऐसी बुक्स होनी चाहिए जो आपके नीड को फुलफिल करे, जो आपके इंटरेस्ट को फुलफिल करे, जो आपके लिए हो, है ना। आप वहां जाओ, आप पढ़ो, है ना, पढ़ के अपने अपनी जरूरत को पूरा कर सको, इसलिए लाइब्रेरी होती है ना। और जहां पे कुछ ऐसी बुक्स जो हम नहीं खरीद पाते हैं वो भी आपको वहां पर मिल सकेगी, यानी सारे बच्चों की नीड को फुलफिल करने वाली बुक होनी चाहिए। और लाइब्रेरी को हमें यूज करना कैसे करना है वो यहाँ पे पूछा है। द लर्नर कैन बी एक्सपोज टू वेराइटी ऑफ जेनरा ऑफ चिल्ड्रेन लिटरेचर, ठीक है, एंड तो ये तो होना चाहिए वहाँ पे, बाल साहित्य होना चाहिए बच्चों के, वेराइटी ऑफ नीड, उनके वहाँ पे एक्सपोजर होना चाहिए अलग अलग बुक का, है ना, तो ये तो बात सही है। एंड एक्टिव इन्वायरमेंट फॉर एंगेजमेंट विथ बुक, बिल्कुल सही है, एक एक्टिव इन्वायरमेंट होना चाहिए लाइब्रेरी में, जहाँ पे बच्चे किसके साथ एंगेज हो सके, किसके साथ घुल मिल सके, अपने बुक्स के साथ, है ना। टीचर एंड अदर अडल्ट कैन ऑल्सो मॉडल रीडिंग बिहेवियर इन द लाइब्रेरी। अब देखिए, लाइब्रेरी सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होता है, टीचर्स के लिए भी होता है, तो वो भी वहाँ जाकर अपने अपने चॉइस के अकॉर्डिंग बुक पढ़ सके। और यहाँ पे दिया, यहाँ पे बोल रहे हैं कौन सा स्टेटमेंट लाइब्रेरी के लिए सही नहीं है, नॉट पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अ रीड अलाउड ऑफ द टेक्स्ट बुक कैन बी बेस्ट डन इन अ लाइब्रेरी, यानी आप जोड़ जोड़ से अपनी पाठ पुस्तक को वहां पे पढ़ रहे हो, ये लाइब्रेरी के लिए सबसे अच्छा, लाइब्रेरी सबसे अच्छा जगह है आपको जब तेज तेज पढ़ना है, लाउड रीडिंग करने के लिए लाइब्रेरी बेस्ट प्लेस माना जाता है, और यही स्टेटमेंट गलत है। आपने कभी देखा है कि कोई जाके लाइब्रेरी में बहुत तेज तेज पढ़ रहा है, आप धीरे धीरे पढ़ रहे हो, कोई बहुत तेज पढ़ने लगा, ऐसा कभी नहीं देखने को मिलता है ना। तो यहाँ पे फोर्थ स्टेटमेंट ही यहाँ पे गलत माना जाएगा अकॉर्डिंग टू लाइब्रेरी, ऑप्शन नंबर फोर विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द मास्टर टू बी लिटरेट, मास्टर टू बी लिटरेट, यानी लिटरेसी में आपको मास्टरी हो, है ना, यानी लिटरेट होने के लिए क्या जरूरी है। फोनोलॉजिकल अवेयरनेस एंड फ्लुएंसी, ठीक है, अच्छा ही बात है, ये होना चाहिए। साइट वोकैबुलरी एंड पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, ये भी होना चाहिए। डिकोडिंग एंड लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसन, ये भी होना चाहिए। एक्यूरेसी एंड फोनोलॉजिकल कॉम्प्रिहेंसन, ये भी होना चाहिए। अब मारे किसको टिक मारना है आपको, ऑप्शन नंबर थ्री पर। अब देखिए, ये जो फोनोलॉजिकल अवेयरनेस हुआ, फ्लुएंसी हुआ, साइट वोकैबुलरी हुआ, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन हुआ, एक्यूरेसी हुआ, ये सब आपके लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसन के अंदर आता है, और बेस्ट ऑप्शन आपको यही दिखेगा कि आपको डिकोड करना चाहिए, डिकोड करना आना चाहिए, सामने वाला क्या बोल रहा है उसको आप पहले हम क्या करते हैं, अपने माइंड में भरते हैं और उसका उसको समझते हैं, यानी डिकोड करना, समझ के फिर वहां से रिप्लाई करना, उसने क्या बोला उसकी मीनिंग को समझना, यानी डिकोड करना अपने अपने माइंड में, और फिर उसको रिप्लाई करना, दैट मींस डिकोडिंग, है ना, और लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर थ्री विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ध्यान दीजिएगा, नॉट करेक्ट वाले या ट्रू वाले, नॉट ट्रू वाले, मैंने आपको बोला था कि जो टैग वर्ड मैंने दिया है उसमें आपको ये चीज ध्यान रखना है कि करेक्ट पूछ रहा है कि नॉट करेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। अबाउट द टीचिंग ग्रामर इफेक्टिवली, यानी ग्रामर को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाने के लिए कौन सा तरीका सही नहीं है, ठीक है। प्रमोट जेन्युइन कम्युनिकेशन, अच्छा है, जेन्युइन कम्युनिकेशन यानी रियल लाइफ कम्युनिकेशन से आप ग्रामर सीख सकते हो। एलिट रिलेवेंट रूल्स ऑफ ग्रामर, ठीक है। प्रोवाइड प्रैक्टिस इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के थ्रू, बातचीत के थ्रू प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। लर्न ग्रामर बाय मेमोराइजेशन इट्स रूल, यही तो गलत है, मेमोराइजेशन इज अ नेगेटिव वर्ड, और मेमोराइजेशन करके आप ग्रामर नहीं सिखा सकते, नॉट ट्रू, नॉट करेक्ट पूछा था, तो आप रट के ग्रामर, ग्रामर कैसे पढ़ना है, कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है, संदर्भ में पढ़ना है, तब आपको अच्छे से आएगा। तो ऑप्शन नंबर फोर विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फोर। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव है लिटरेसी टीचिंग अप्रोच, लिटरेसी टीचिंग अप्रोच जो है ना,
दैट इम्फेसाइज द रिलेशनशिप बिटवीन लेटर एंड साउंड। लिटरेसी टीचिंग अप्रोच का मतलब है साक्षरता शिक्षण उपागम, यानी हिंदी में हम उपागम कहते हैं, अप्रोच को उपागम, साक्षरता शिक्षण उपागम। दैट इम्फेसाइज द रिलेशनशिप बिटवीन लेटर एंड साउंड। लेटर एंड साउंड के बीच में जब ये लिटरेसी टीचिंग अप्रोच जब हम अपनाते हैं, वहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन लेटर एंड साउंड के बीच में जो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होता है, इम्फेसाइज, वो है क्या? वो होता है होल लैंग्वेज अप्रोच, यानी पूरे लैंग्वेज में हम जिस तरह से लेटर को यूज़ कर रहे हैं, साउंड को यूज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स होल लैंग्वेज अप्रोच। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अ टीचर इन ए क्लास 3 आस्क हर लर्नर टू आस्क देयर पार्टनर 5 क्वेश्चन अबाउट देयर एबिलिटी यूजिंग द वर्ड कैन, दैट इज कैन यू स्विम, दिस टाइप्स ऑफ एक्टिविटी इनहेंस। यानी टीचर क्या बोल रही है लर्नर से कि आप अपने पार्टनर, अपने पीयर ग्रुप से पूछिए या अपने फ्रेंड से पूछिए कि क्या आपको 5 वर्ड कैन का यूज करके, यानी सकना, कैन यानी सकना, क्या तुम ऐसा कर सकते हो, तुम क्या घर जा सकते हो, सकते हो, सकते हो आए है ना, यानी कैन, कैन यू स्विम, कैन, कैन आई गो, इस तरह के 5 आपको क्या बोलना है, आपको सेंटेंस बताना है, वर्ड एबिलिटी टू यूज वर्ड कैन, कैन यू स्विम, आपको क्या बनाना है, 5 लाइन या 5 यूजिंग, देखिए एक मिनट, पार्टनर 5 क्वेश्चन करना है ना, 5 क्वेश्चन करना है, सेंटेंस नहीं बनाना है, 5 क्वेश्चन कैन का यूज करके 5 क्वेश्चन आपको अपने पार्टनर से पूछना है कि वो क्या कर पा रहा है या नहीं। दिस टाइप्स ऑफ एक्टिविटी इनहेंस, ये किसको इनहेंस, क्या है इनहेंस, मतलब बढ़ावा देना, ये जो एक्टिविटी क्लास में हो रही है वो किस चीज को बढ़ावा दे रही है, ओरल फ्लुएंसी प्रैक्टिस, फ्री स्पीकिंग, कंट्रोल ओरल प्रैक्टिस या पैसिव लिसनिंग। पैसिव लिसनिंग तो है नहीं, बच्चे एक दूसरे से क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, फ्री स्पीकिंग भी नहीं है, ओरल फ्लुएंसी प्रैक्टिस इसको हम बोलते हैं, जब इस तरह का माहौल क्लास में एक्टिविटी कराई जाती है कि आप अपने पार्टनर से 5 क्वेश्चन बनाने के लिए बोले, वो क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में कैन का यूज होना चाहिए, ठीक है, कंट्रोल में टीचर का इन्वॉल्वमेंट रहता है, टीचर ने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया है, यहाँ पर कोई वहाँ पे हेल्प नहीं कर रही है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। समझ में आई बात, चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, है ना, टाइम बहुत कम बचा है, पढ़ना ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और बहुत ही काम रहिए आपका, मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपके एग्जामिनेशन क्लियर होंगे, टेंशन नहीं लेने की बात है, ठीक है। अ थर्ड ग्रेड टीचर विश टू स्टैब्लिश अ रीडिंग कॉर्नर इन हर क्लास। रीडिंग कॉर्नर को स्टैब्लिश करना बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है आजकल कि एक रीडिंग कॉर्नर, पठन कोना जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, पठन कोना को क्या कर रही है, स्टैब्लिश कर रही है क्लासरूम में। इन द मेकिंग जजमेंट फॉर सेलेक्टिंग चिल्ड्रंस बुक, आप रीडिंग कॉर्नर जब आप बनाओगे तो आपको वहाँ पे एक, आपको प्लान करना पड़ेगा कि आप कौन सी बुक वहाँ पे बच्चों के लिए रखो, तो आपको यह रीडिंग कॉर्नर बनाने से नहीं होगा, वहां पे आपको बुक भी रखनी पड़ेगी, और बुक कैसी रखनी पड़ेगी, बच्चों के नीड के अकॉर्डिंग बाल साहित्य रखोगे, आप किस क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हो उसके अकॉर्डिंग, है ना, उन लोग के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, चॉइस के अकॉर्डिंग आपको बुक रखनी पड़ेगी। तो आप जब जजमेंट लोगे, आप ये निर्णय लोगे कि कौन सी बुक को मैं सेलेक्ट करूं यहां रखने के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू बी कंसीडर फर्स्ट, तो आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन क्या आना चाहिए जब आप यहाँ पर बुक रखोगे, आर द ऑथर ऑफ दिस बुक वेल नोन एंड रिस्पेक्ट और द रिस्पेक्टेड ऑथर ऑफ द चिल्ड्रन लिटरेचर। आप जो वेल नोन ऑथर होंगे उन्हीं की, उनकी बुक रखो, रखना चाहिए आपको, या रिस्पेक्टेड ऑथर ऑफ चिल्ड्रन, रिस्पेक्टेड ऑथर जो चिल्ड्रंस लिटरेचर, जो बहुत सारे राइटर हैं जो चिल्ड्रन, जैसे बहुत सारे हमने नाम भी सुना है, जैसे पंचतंत्र, है ना, पंचतंत्र, ये सब क्या है, चिल्ड्रंस के लिटरेचर है, तो ये सब इस तरह की बुक रखोगे जो कि वेल नोन ऑथर के हो, ठीक है, इसका भी ध्यान रखा जाएगा, लेकिन सबसे पहले किसका ध्यान रखा जाएगा आप उसको देखोगे। आर द बुक रिटन फॉर द इंडिपेंडेंट रीडिंग लेवल ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास। ये चीज आपको रखना है कि जो भी आप बुक रख रहे हो, चाहे वो किसी भी राइटर का हो, ठीक है, वो बाद में आएगा कि आप किस राइटर के रख रहे हो, लेकिन आपको ये देखना है कि चाहे छोटे राइटर भी क्यों ना हो, आपको उनको भी इम्पोर्टेंस देना है, उन्होंने भी काम किया, उन्होंने भी मेहनत किया, अगर उनका लिटरेचर अच्छा है, बच्चों के लिए, बहुत सारे बच्चों की नीड को फुलफिल कर रहा है, तो उसको हम रखेंगे, है ना, बाद में हम देखेंगे कि किसकी है किसकी नहीं है, है ना, तो अगर
लिटरेचर अच्छा है, बच्चों के लिए है, तो हम उसको रखेंगे। हमें ये नहीं देखना कि वो बहुत वेल नोन ऑथर का है, बहुत जाने माने लेखक ने लिखा है, इससे हमें मतलब नहीं रखना है। विल द बुक हेल्प एड्रेस द गोल ऑफ द थर्ड ग्रेड रीडिंग चिल्ड्रन कैरिकुलम? देखिए, कैरिकुलम को फुलफिल करने के लिए, गोल को फुलफिल करने के लिए आपके पास टेक्स्ट बुक दी रहती है, तो वो तो है ही, तो आप कैरिकुलम गोल को फुलफिल करोगे तो उसके लिए तो आपको रखना नहीं है। आप क्या किस लिए रखना है? रीडिंग कॉर्नर जाके, ताकि क्लास का जो माहौल रहे वो मोनोटोनस नहीं रहे। मोनोटोनस का मतलब होता है कि बच्चे ना, बच्चे नीरस नहीं रहे क्लास में, बच्चे एक्टिव रहे, है ना। तो इसलिए हम रीडिंग कॉर्नर रखेंगे कि बच्चों को जब फ्री पीरियड और लेजर टाइम होता है, लेजर पीरियड होता है, तो उसमें जाके बच्चे वहां पे पढ़ सके। विल दीज बुक बी एप्रोप्रिएट फॉर द यूज ऑफ मोर देन वन इंस्ट्रक्शनल कॉन्टेक्स्ट? ये भी नहीं होगा। यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है? ऐसी बुक आपको रखना है, सबसे पहले किसको ध्यान देना है कि ऐसी बुक आपको रखना है जहां पर सारे बच्चों की नीड, यानी इंडिपेंडेंट रीडिंग लेवल ऑफ मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन द क्लास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। विच अप्रोच और मैथड इज गियर टुवर्ड्स द लर्नर मेन गोल ऑफ यूजिंग लैंग्वेज इन रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट? यानी किस मेथड को हम रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट का यूज करते हैं, किस मेथड में हम रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट, यानी रियल लाइफ एग्जांपल, रियल लाइफ चीजों में यूज करते हैं, वो है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच, है ना। यानी इसको आप रियल लाइफ में, ऑडियो विजुअल में हम रिपीटेशन एंड ड्रिल पर ध्यान देते हैं, मैंने पिछले क्लास में बताया था, याद रख लीजिएगा। एक बार मेथड जरूर पढ़ लीजिएगा, आप प्लेलिस्ट में जाइए, मेथड से रिलेटेड एक वीडियो है, मेथड पढ़ लीजिएगा, मेथड से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में आप टारगेट लैंग्वेज को पढ़ाते हो विदाउट यूजिंग मदर टंग, यानी टारगेट दूसरे लैंग्वेज का यूज नहीं करते हैं, है ना। डायरेक्ट मेथड में अगर आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो तो बोलना लिखना पढ़ना सब कुछ इंग्लिश में होगा, आप वहां पर ट्रांसलेट नहीं कर सकते हो, दूसरे लैंग्वेज को आप वैल्यू नहीं दोगे, यानी आपके मदर टंग को। नेचुरल अप्रोच किस लिए होती है? स्टीफन क्रेशन ने दिया था, ये सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर रियल लाइफ आ जाए तो सीधे कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग पर आप कीजिएगा, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अ टीचर आस्क लर्नर टू एक्सचेंज वर्क बुक एंड चेक देयर पार्टनर वर्क। ठीक है, तो टीचर क्या कर रही है? बच्चों को कह रही है कि आप दो बच्चों को कह रही है कि आप एक्सचेंज करो अपनी वर्क बुक को, और तुम अपनी वर्क बुक चेक नहीं करनी है, तुम्हें अपने पार्टनर की वर्क बुक चेक करनी है। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव किस लिए है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टास्क इज टू गिव द प्रैक्टिस इन एक्सटेंसिव रीडिंग, गिव द प्रैक्टिस यूजिंग न्यू वोकैबुलरी, गिव कंट्रोल प्रैक्टिस ऑफ द स्ट्रक्चर एंड डेवलप द स्किल ऑफ पीयर करेक्शन। यानी यहाँ पे पीयर करेक्शन की स्किल को डेवलप करने, अब अपनी बुक आप चेक नहीं कर रहे, अपनी वर्कबुक अपने पीयर की, और पीयर आपकी कर रहा है, तो इससे क्या होगा कि पीयर करेक्शन स्किल आपकी डेवलप होगी, क्योंकि NCF ये अभी NEP 2020 ने एक पीयर असेसमेंट का भी एक विकल्प रखा है कि आपका 360 डिग्री असेसमेंट होगा, और आपके टीचर, आपके आपके जो पीयर हैं, सब आपका क्या करेंगे? असेसमेंट करेंगे, है ना। तो 360 डिग्री असेसमेंट की बात कौन करता है? आपका NEP 2020 मैंने बहुत बढ़िया पढ़ाया है, आप जाके देखिएगा, है ना, तो आपको बहुत समझ में आएगा कि NEP 2020 क्या है। NEP 2020 आप पढ़ के भी जरूर जाइएगा, क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। चिल्ड्रेन इन द फाउंडेशनल स्टेज आर मोर एंगेज इन लर्निंग वेन। जो फाउंडेशनल स्टेज के बच्चे होते हैं, फाउंडेशनल स्टेज का मतलब क्या है? जो सबसे छोटे बच्चे हैं, 3 से लेकर 7-8 साल के बच्चों की बात हो रही है, है ना, 3 से लेकर 6-7 साल तक के बच्चों की बात होती है, फाउंडेशनल स्टेज पहला स्टेज माना जाता है। ठीक है, तो वो वाले बच्चे जो है वो ज़्यादा किसके साथ एंगेज होकर किसी भी चीज़ की लर्निंग को करेंगे, यानी लर्निंग को बहुत अच्छे तरीके से कब करेंगे? दे सिंग राइमिंग आफ्टर टीचर, टीचर राइम बोलेंगी और उसके बाद बच्चे बोलेंगे। दे बहुत अच्छे तरीके से, यहाँ पे मोर इंगेज रहना है ना, जहाँ पे आपकी सारे सेंस ऑर्गेन एक्टिव है ना, आप पूरी तरीके से एक्टिव हो। तो दूसरा है यूजिंग मल्टीपल सेंस, यानी मल्टीपल सेंस का यूज करना, एंड एक्टिवली यूज देयर हैंड। यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा क्या रहेंगे? एक्टिव रहेंगे। हम बोलते हैं ना हैंड ऑन एक्टिविटी कराइए, रियल लाइफ से जोड़िए, है ना, लर्निंग बाय डूइंग कराइए, मल्टीपल सेंस का यूज करना, आपके
आपकी कान भी खुली है, मतलब आप जो भी बोले जा रहे हैं आप सुन रहे हो, आप आंख से देख रहे हो, सब चीजें वहां पे इन्वॉल्व है, वहां बच्चे ज्यादा एक्टिव रहेंगे। ऑप्शन नंबर टू यहीं पे सही हो जाएगा। और भी ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। दे ट्रेस और राइट लेटर रिपीटली, यहाँ पे रिपीट नहीं करना है, ड्रिल मेथड को, टेक्स्ट नोटबुक को इस तरह से हमें रटवाना नहीं है बच्चों को। दे फोकस ओनली इज अ नेगेटिव वर्ड, मैंने कल भी बताया है टैग वर्ड में, ऑन डेवलपिंग फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल से जितना ज्यादा फाइन मोटर स्किल का यूज करेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे, ऐसा नहीं है। फाइन मोटर स्किल से देखिए एक लिमिटेड ही चीजें सीखी जा सकती हैं। जैसे आप लिखना सीखोगे, आपकी फाइन मोटर स्किल क्या होती है, जैसे आप किस तरह से आप लिख रहे हो, जिस किस तरह से आपकी जो फिंगर है वो काम कर रही है, किस तरह से आप फिंगर पे आपका कंट्रोल डेवलप होता है, दैट मीन्स इट इज कॉल्ड फाइन मोटर स्किल। समझ में आए? तो ऑप्शन नंबर टू विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 5 से आई गिव माय वर्क अ फाइनल चेक फॉर एक्यूरेसी बिफोर सबमिटिंग इट टू द टीचर। द स्टूडेंट इज वर्किंग एट द राइटिंग स्टेज ऑफ, यानी एक क्लास 5 का बच्चा बोलता है कि मैं कोई भी अपना फाइनल जो वर्क होता है उसको सबमिट करने से पहले मैं एक बार चेक करता हूँ, एक्यूरेसी को चेक करता हूँ कि क्या मैंने जो लिखा है वो सही है या नहीं, उसके बाद ही मैं जाके क्या करता हूँ, सबमिट करता हूँ ये है क्या, क्या ये ड्राफ्टिंग है, क्या ये रीड्राफ्टिंग है, या क्या ये प्रूफ रीडिंग है, या पीयर इवेल्युएशन है। देखिए यहाँ पे पीयर की तो बात हो नहीं रही है, तो पीयर इवेल्युएशन होगा नहीं, पीयर यानी आपका सहपाठी, तो उसका कोई यहाँ पे रोल नहीं है। रीड्राफ्टिंग भी नहीं है, ड्राफ्टिंग एक तरीके से ब्लूप्रिंट तैयार करने, ये स्टार्टिंग में होता है राइटिंग के स्टेज में, ये सब स्किल है राइटिंग की, ये स्टार्टिंग में होता है कि आप ड्राफ्ट करते हो कि आप कहाँ कौन सी पॉइंट लिखोगे, ठीक है। तो ये होती है प्रूफ रीडिंग, इसको हम प्रूफ रीडिंग कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which approach or method does not encourage learner to the use of native language? Native language का मतलब क्या है? आपकी mother tongue, आपकी पहली भाषा in a language class. यानी किस method में आपके native language को क्या किया जाता है? Encourage नहीं किया जाता है, यानी वहाँ पे यूज नहीं करने दिया जाता है। किस मेथड में आपके नेटिव लैंग्वेज को वैल्यू नहीं दी जाती है? आपको जिस लैंग्वेज में पढ़ाना, यानी टारगेट पढ़ाना, आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो तो पूरा क्लास इंग्लिश में होगा, अभी मैंने बताया वो होता है डायरेक्ट मेथड, ठीक है। डायरेक्ट मेथड में जिस टारगेट मेथड पर पूरा फोकस रहता है, आपके नेटिव लैंग्वेज, आपकी मदर टंग, आपकी मातृभाषा को यूज नहीं करने दिया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए इसीलिए मैं बोल रही हूँ, मेथड से वीडियो है प्लेलिस्ट में, आप जाके देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ेंगे। ए टीचर इज प्लानिंग टू कलेक्ट अ वैरायटी ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल फॉर हिज क्लास 12, अ क्लास 2 स्टूडेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट क्रिटेरियन फॉर द चूजिंग TLM, यानी TLM के वो टीचर जो है वो क्या कर रही है, प्लान कर रही है अपने क्लास में टीचिंग लर्निंग मटेरियल को कलेक्ट करना चाह रही है, रखना चाह रही है, ठीक है। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या होता है? ऐसा मटेरियल जो कि आपको हेल्प करे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट क्रिटेरियन फॉर द चूजिंग, मतलब आप जब टीचिंग लर्निंग मटेरियल आप चूज करोगे तो आप किस चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं दोगे, नॉट करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। पहला है मटेरियल चूजन शुड बी अट्रैक्टिव एंड सेफ फॉर द चिल्ड्रन ऑफ दिस एज ग्रुप टू द यूज, बिल्कुल सही है। अट्रैक्टिव होना चाहिए मटेरियल, जो भी आप क्लासरूम में टीचिंग लर्निंग एड यूज कर रहे हो वो क्या होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए और सेफ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सल्फ्यूरिक एसिड क्लास में लेके चले गए, है ना, तो वो बच्चों के लिए सेफ नहीं है, है ना। आपको एक्सपेरिमेंट कराना है, आपको एसिड का एक्सपेरिमेंट कराना है मान लो, तो आप वहाँ आप उसके लिए लैब है, लैब में रखे रहते हैं ना, तो लैब में रखा जाता है, आप वहां लेके जाके आप उसको करके दिखाओगे, बच्चे नहीं टच करेंगे, है ना। तो सेफ होना चाहिए, तो ये तो सही है। हमको क्या देखना है, कौन सा नहीं होना चाहिए। द मटेरियल चूजन शुड प्रोवाइड द एडवोकेट अपॉर्चुनिटी फॉर द चिल्ड्रन टू एक्सप्लोर एंड एक्सपेरिमेंट विद क्यूरियोसिटी, यानी यहाँ पे कहने का मतलब है कि ऐसा मटेरियल होना चाहिए जहाँ पे बच्चे ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर कर सके, एक्सपेरिमेंट कर सके विथ उत्सुकता के साथ या विथ क्यूरियसिटी के साथ, यानी ये भी अच्छा है। ये सारे देखिए पॉजिटिव वर्ड है, तो ये भी अच्छा है। यहाँ पे नॉट है तो हम नेगेटिव वर्ड के तरफ जाएंगे जहां पे नेगेटिविटी लिखी होगी, ठीक है। द मटेरियल चूजन शुड बी प्रेफरली लोकली मेड
लोकली अवेलेबल एज दिस वुड अलाउ द इजी रिप्लेसमेंट। बिल्कुल सही है, ऐसा मटेरियल आपको यूज करना है जो कि आपको इजीली अवेलेबल हो सके, लोकली मतलब लोकल लोग बनाए ताकि वहां से आप ले आ सके, अगर किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप जाके रिटर्न भी कर सको। ठीक है, ये भी होना चाहिए। द मटेरियल चूजन शुड बी मेड बाय द चिल्ड्रन ओनली एंड हैव सम रफनेस टू अवॉइड स्लीपरनेस। यानी यहाँ पे ओनली वर्ड आ गया, यानी मटेरियल ऐसा होना चाहिए जो कि सिर्फ बच्चों द्वारा बनाया होना चाहिए, ऐसा नहीं है। बहुत सारे मटेरियल बच्चे नहीं बना पा सकते, या आपके पास कभी टाइम की कमी होती है तो आप बाजार से खरीद के लाके बच्चों को समझा सकते हो। अब बॉल पढ़ाना है ना, बॉल पढ़ाना है तो बच्चे बॉल कहाँ से, मान लीजिए कि सर्कल पढ़ाना है, कुछ ऐसा चीज बनाना है, तो वो बाजार से भी खरीद के आप लाके बच्चों को पढ़ा सकते हो। तो क्या बोल रहा था, नॉट करेक्ट, तो यही तो करेक्ट नहीं होगा कि सिर्फ बच्चों द्वारा बनाया हुआ, ऐसा नहीं, बच्चे भी बना सकते हैं, टीचर भी बना सकते हैं, आप खरीद के भी ला सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ओनली कह दिया ना, यहीं पर गलत हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। टू क्रिएट एन इंक्लूसिव वेलकमिंग एंड जॉयफुल एनवायरमेंट दैट सपोर्ट एवरी चाइल्ड्स पार्टिसिपेशन इन अचीविंग द कॉम्पिटेंसी आउटलाइन इन द नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क कैन बी बेस्ट डन बाई। यानी ऐसा इन्वायरमेंट आपको क्रिएट करना है जो कि इंक्लूसिव हो, समावेशी हो, जहाँ पे हर बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिले इक्वल, है ना, वेलकमिंग हो, जॉयफुल हो, मतलब मजेदार इन्वायरमेंट रहे, अच्छा रहे, जहाँ पे बच्चे इंजॉय कर सके, दैट सपोर्ट एवरी चाइल्ड पार्टिसिपेशन। ऐसे इन्वायरमेंट पे जहाँ पे बच्चे, हर बच्चे का पार्टिसिपेशन हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, है ना, इन अचीविंग कॉम्पिटेंसी आउटलाइन टू नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क कैन बी डन बाई, उसको आप कैसे फुलफिल कर सकते हो, कैसे आप उसको बना सकते हो। कंडक्टिंग इंडोर एक्टिविटी एंड अवॉइडिंग देम टू आउटडोर एक्टिविटी इन स्क्रॉचिंग हिट, नहीं, कि धूप से बचने के लिए बच्चों को आउटडोर एक्टिविटी नहीं कराएंगे, इंडोर ही एक्टिविटी होती है, कि आउटडोर एक्टिविटी भी जरूरी है। आउटडोर एक्टिविटी में क्या होता है, बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी अच्छे से डेवलप होती है, और आपको क्या करना है, आपको हर डोमेन पर ध्यान देना। हमने डेवलपमेंट के 3 डोमेन पढ़े थे, कॉग्निटिव डोमेन, फिजिकल डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन, ये 3 डोमेन पर आपको ध्यान देना है ना। तो बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे होगा, जब आपके सारे डोमेन फुलफिल होंगे, सारे डोमेन की नीड फुलफिल होगी। ठीक है, मेजोरिटी फोकस ऑन लर्नर गोल हेल्थ एंड वेलबींग डिस्प्ले चिल्ड्रन वर्क फ्रॉम अ डिफरेंट डोमेन ऑफ द डेवलपमेंट। बिल्कुल सही है, देखिए आ गया ना, डिस्प्लेइंग चिल्ड्रन वर्क, अलग अलग तरह के बच्चों को वर्क दिला, वर्क से क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे, शो करेंगे, उनको क्या करेंगे, एक्सपोजर देंगे, ताकि उनका जो अलग अलग डोमेन है बच्चों के डेवलपमेंट का, वो फुलफिल हो सके। डेकोरेटिंग क्लासरूम फॉर कलरफुल एनवायरमेंट, इससे कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ टेक्स्ट बुक डिजाइन एट द फाउंडेशनल स्टेज। फाउंडेशनल स्टेज क्या होता है, पता है आपको, बहुत छोटे बच्चों का, 3-4 साल, 5 साल तक के बच्चों का, 6 साल तक के बच्चों को भी हम फाउंडेशनल स्टेज में देते हैं। तो फाउंडेशनल स्टेज में जब आप टेक्स्ट बुक को डिजाइन करोगे, तो पाठ पुस्तक डिजाइन करो, तो किस चीज पर ध्यान नहीं देना है, नॉट दिया है। ठीक है, कैरिकुलम प्रिंसिपल, बिल्कुल सही, जो कैरिकुलम में दिया है, जितने सिलेबस आपको देना है उतना तो देना ही पड़ेगा, तो टेक्स्ट बुक में उतना होना चाहिए। कॉन्क्रीट प्रिंसिपल, प्रेजेंटेशन, हाँ, किस तरह से आप प्रेजेंट कर रहे हो, कौन से वर्ड का यूज कर रहे हो, कैसी लैंग्वेज है, इसको भी। टेक्नोलॉजी प्रिंसिपल, आपको टेक्नोलॉजी से बच्चों को जोड़ना है, चाहे वो छोटे बच्चों को जानते, एक्सपोजर दिया जाता है, कंप्यूटर लैब में लेके जाते हैं ना, कंप्यूटर लैब में जाते हैं, उनको ड्राइंग ही सिखाया जाता है, पेंट ही सिखाया जाता है, लेकिन उनको एक्सपोजर दिया जाता है छोटे क्लासरूम में भी, है ना। तो बच्चे आके बोलते हैं, जो बच्चे पहली बार कंप्यूटर लैब में गए होते हैं, छोटे बच्चों की मैं बात कर रही हूँ, तो वो आके घर में बताते हैं कि मैं, मम्मा आज मैं कंप्यूटर लैब में गया था, आज मैंने पेंट किया, है ना। तो वो जो उनके कॉग्निटिव लेवल का होता है, वही चीज़ें सिखाई जाती हैं। ठीक है, कॉन्क्रीट प्रिंसिपल पे नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, कॉन्क्रीट लेवल आपका कब स्टार्ट होता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कब स्टार्ट होता है, 7 से 11 वर्ष के बच्चों का, और यहाँ पे हम फाउंडेशनल स्टेज की बात कर रहे हैं। फाउंडेशनल स्टेज यानी यहाँ पर मैक्सिमम 7 साल के बच्चे होंगे, 7 साल से ऊपर के बच्चे नहीं होंगे। यानी यहाँ पे तो लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट होती है 7 से 11 साल तक के बच्चों की, यानी ये मिनिमम माना जाता है, ये मैक्सिमम माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कॉन्क्रीट प्रिंसिपल का ध्यान नहीं देंगे, यानी मूर्त प्रिंसिपल पर ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, तो ये थे आज के कुल 15 क्वेश्चन। आशा करती हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और आप
की तैयारी कैसी चल रही है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।